जय बाबा की। मित्रों, महाराज जी की असीम कृपा और आपके सहयोग से महाराज जी की कथाओं की श्रृंखला जो 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी, वह सिलसिला 1111 कथाओं तक पहुंच। महाराज जी का एक और सत्संग, महाराज जी का जिन्होंने सानिध्य पाया, उनके सानिध्य में दस्तक मीडिया को बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आज आप देख रहे हैं ना, हम लोग बैठे हैं और फिर से एक बार चर्चा करते हैं महाराज जी की। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में ये श्रृंखला जो है महाराज जी से भक्तों से मिलने का जो सिलसिला चल रहा है, ये यात्रा हमारी अब अलीगढ़ तक आ गई है। झोंपड़ी के संजीव दादा के माध्यम से हरिदादा से मुलाकात करने का सौभाग्य आपके दस्तक मीडिया को मिला। आपने दस्तक मीडिया को महाराज जी के अद्भुत अनुभवों की सौगात दी है। हरिदादा और संजीव दादा से की गई बातों में आप महाराज जी के सखा रूप में, भगवत रूप में दर्शन करेंगे। दस्तक मीडिया पर अगले 30 दिन तक आपको ऐसे अनुभव सुनने को मिलने वाले हैं जिनका साहित्य में कहीं कोई वर्णन नहीं। झोपड़ी के सामने जाके खड़े हुए, वो उनका स्वरूप खड़े होने का था, ऐसे करके यूँ खड़े हो गए, यूँ ऐसे करके हमने हाथ पकड़ रखा था, भिक्षा लेने आ गए जो है। तो उसने एक रोटी पर सब्जी रखी और महाराज जी ने मुझे अपने चेहरे से इशारा कर दिया, ले लो। मैंने उसे ले लिया और लेने के बाद मैंने अपने कुर्ते की जेब में ऐसे वो रख ली। उसमें महाराज जी ने अपनी मानव देह लीला का विश्राम जब किया तो होली कैसे मनाई? और भारतीय भक्त सब लोग आ रहे थे, महाराज जी के नख में गुलाल रंग लगा के बड़े आनंद से महाराज जी भी सबको बिठा रहे थे, मिठाई फल गुजिया सब बट रही थी, आनंद वर्षा हो रही थी। तो फटाक से उठे ना बुरस समय दो, तो बुरस हाथ में मेरे में से लिया और खड़े हो गए, जब ले के भर के यौ ऐसे किया तो पूरी, तो बुरस में जितना पेंट लगाया था उनकी धोती सन गई और वो तख्त की चद्दर भी हो गई और दीवार भी हो गई, सब सब हो गए। मैंने कही आ गया मजा, मैं तुमसे कह रहा था ऐसे नहीं होगा पेंट, ब्राह्मण तो ऐसे ही करता है, ब्राह्मण तो यही करेगा। आप ऐसे कह देते थे आ गया मजा। हाँ मजा, तो गुस्सा नहीं ना, कितना बड़ी रहस्यमय बात और है। महाराज जी के उस नदी में के किनारे से पीछे का नदी है, पहाड़ है, कितने सांप आते जाते रहते होंगे। लेकिन एक स्पेशल जो है सांप के लिए आदेश, आपको पता चलेगा कि महाराज जी जो भोजन प्रसाद करते थे उसके शेष अंश जो रह जाता था उसका होता क्या? उसमें दाल में जो महाराज जी को दाल कटोरी में बच के आती थी, मैं और महाराज जी रिक्शे में बैठ गए, महाराज जी अकेले रिक्शे में ही आए, मेरे लिए जगह नहीं थी मैं नीचे पायदान में मैं ऐसे करके बैठ गया, तब मेरा शरीर भी। रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जाओगे? मैंने कहा परिक्रमा में बाबा नीम कौरी के आश्रम में जाएंगे। अरे भाई, वो बाबा तो बड़ा टॉप का है। अच्छा वो रिक्शे वाला बोला, ये बाबा तो वृंदावन में बहुत टॉप पर चल रहा है, बहुत टॉप पर चल रहा है। महाराज जी ने मेरा पैर दबा दिया जो करके, बता मत देना वो बाबा नहीं बैठे के गिलास में नल पर से पानी भर लाया और ये दिया महाराज जी को। महाराज जी ने अपने हाथ में पकड़ के हु 3 बार कर दिया, जा ले जा पिला देना। अच्छा, परंपरा में न कोई ज्ञान है, न उपदेश है, न उपनिषद है, न ऋग्वेद है, न हनुमान चालीसा है, सिंपल सिलेबस सामान्य विद्यार्थी। जब महाराज जी सितंबर 1973 में कैंची धाम से सशरीर आखिरी बार निकले तो उनका एक हाथ पकड़कर आश्रम से गाड़ी तक पहुंचाने वाले भक्त से हम आपकी मुलाकात करें। मैं जून से और सितंबर महाराज जी वहाँ से विदा हुए हैं, तब तक मैं कैंची में ही रहा हूँ। ऐसे बोले आज मैं सेंट्रल जेल से जा रहा हूँ, ये कहा। हाँ, राम गए कृष्ण गए। हम आपको उस स्कूल की 4 दीवारी के दर्शन कराएंगे जिसको महाराज जी ने शरीर लीला विश्राम करने के बाद पुनः शरीर धारण किया और उन्होंने आकर बनवाया। और इसके अतिरिक्त इस सत्संग में जो साहित्य में हमें मिला है उसको प्रमाणित करने का अवसर भी मिला है
आप देखेंगे। हमने कई बार आपको कथा सुनाई है जिसमें जून की शादी में महाराज जी ने मौसम बदल दिया था, यानी सर्दी का मौसम कर दिया था। हम उस स्थान को दिखाएंगे, हम उस घर को दिखाएंगे, हम उस स्थल को दिखाएंगे जहां सात फेरे पड़े, यानी ये जो शादी स्थल दिखाई पड़ रहा है आपको जिस घर में हम खड़े हैं, इसी में पुष्पा दीदी का मंडप गढ़ा था। लखनऊ से जो वृंदावन पिताजी ने बात की तो महाराज जी ने शर्त रखी, पंडित हम खाएंगे लेकिन तुम घर से बना के लाना होगा, माई तुम्हारी भेजेगी, उस मंडप को खाएंगे जीवन भर यहीं से दलिया भारी मुंह की दाल। चक्की थी माता जी की यहाँ, ये इस पर बनाई जाती थी। महाराज जी ने अपना कंबल तो फेंक दिया और उसके कान पकड़ के ऊपर उठा लिया, जैसे पहलवान अखाड़े में लड़ता है ऐसे ही अपनी खोपड़ी में भर के और उछाल के ऊपर। तो दो तख्त बिछे हुए थे उसमें, उन तख्त के ऊपर कुल्हड़ पत्तल आटे की बोरियां सामान सब लगवा उसके ऊपर डाल लिया, और डालने के बाद उसके ऊपर छाती पे बैठ गए और उसकी खूब मुक्कों से धुनाई करी। गुरदत्त जी और मैं हाथों को रोक रहे थे, मेरे पिताजी भी पीछे से लगे थे, तो एक आध मेरे भी लगा, गुरदत्त जी के भी लगा जो है। फिर मैंने कि अब ये मर जाएगा, मैंने ऐसे तरह से हाथ उसके ऊपर लगा दिया, मर जाएगा, अब बहुत हो गया, मर जाएगा ये, अब मत मारो जी। मैं शांत हो गए महाराज जी और पीट पाट के हंस भी रहे थे। अच्छा। ठीक किया ना? हाँ ठीक किया। दत्त शर्मा परिवार के सदस्यों के साथ हाल में ही जो महाराज जी की कृपा हुई है, अद्भुत अनुभव है उनसे। और महाराज जी ऐसी कृपा करो कि कहीं ज्ञान मिले जी। गुरु तो ज्ञान देते हैं, और अब बताइए कैसे ज्ञान मिलेगा। मतलब यही बस इच्छा हो रही थी, मैं सीढ़ियों पर बैठी थी, जहाँ हवन हो रहा था वहाँ सीढ़ियों पर बैठी थी मैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, मेरे को ना ज्ञान मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बाबा की तरफ समर्पित होते हैं तो आपके मन में हर दिन में छोटी छोटी चार पांच बार आपको याद आता है कि मेरे ये काम बन जाए, मेरा ये काम ना बने। तो अगर आप उस काम की फल की चिंता ना करते हुए बाबा को समर्पित करें तो आपका काम अवश्य बनता है, और नहीं भी बनता है तो उस काम में जो आपके लिए अच्छा होता है वो अवश्य होता है। ये मेरा अनुभव है, और घटनाएं तो इतनी सारी हैं कि मैं एक या दो नहीं। नींद आती है और नींद आने के बाद मेरी गाड़ी बहुत तेजी से डिवाइडर में टकराती है, बहुत तेज गाड़ी टकराई उसका और बहुत तेजी से, मैं भी ये पीछे बैठी थी, ये बहुत तेज चिल्लाई, बहुत तेज जब ये चिल्लाई हैं तो मेरा सर यही हिस्सा और इनके सर का भी यही हिस्सा ऊपर से छत पर टकराया आया, और ये बोलते हुए आया कि चलो देखते हैं गाड़ी को क्या नुकसान हुआ। आप शुक्ला जी, मैं बाहर निकला और गाड़ी को जाकर के 80-90 की रफ्तार पर मेरी गाड़ी डिवाइडर में टकराई है, भीषण चिल्लाए हम लोग। जाके बाहर देखता हूँ गाड़ी में डेंट तो छोड़िए, धूल का कण भी नज़र नहीं आया। अब मैं और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, मैंने उसको बहुत बार देखा, नीचे झुक के देखा, टायर्स को देखा, आगे पीछे सब जगह देखता हूँ गाड़ी, कोई कह नहीं सकता कि ये गाड़ी एक या दो मिनट, चार मिनट पहले, पाँच मिनट पहले इतने भीषण तरीके से डिवाइडर। महाराज जी की लीला, और तो ऐसी आप डूबते रहिए उनमें, समय ही नहीं पता चलेगा, और उसका वो रस है ना, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। इतना सब कुछ जो बताया है उसके अतिरिक्त भी आपको लगभग 30 दिनों की ये सत्संग यात्रा बहुत कुछ देखने और जानने को मिलेगा। महाराज जी की इस अद्भुत सत्संग यात्रा का आनंद उठाइए। कल से मिलते हैं महाराज जी की अद्भुत कथाओं के साथ, अद्भुत यात्रा।